हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल है और आपका फ़ोन खो गया, आईफोन या तो फिर एंड्रॉयड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपके फ़ोन के अंदर जो पासवर्ड लॉक नहीं है, तो आप उस सिचुएशन के अंदर व्हाट्सएप को कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जनरली आप अपने आईफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप तो रखते ही होंगे, लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि आपका फ़ोन खो गया और आपके फ़ोन में पासकोड नहीं है, यानी फ़ोन ओपन है तो कोई भी आपका फ़ोन यूज़ करके व्हाट्सअप यूज़ कर सकता है। तो एग्जैक्टली इस सिचुएशन में आपको करना क्या होता है, पहला तो ये काम करना है होता है कि आपका फ़ोन खो गया है तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल ऑपरेटर को कॉल कीजिए और उसे अपना जो एग्जिस्टिंग करंट सिम है उसे लॉक करवा दीजिए। तो क्या होगा कि वो जो फ़ोन है उसके अंदर SMS और कॉल आने बंद हो जाएंगे। और दूसरा एक आपको काम करना है कि आपको एक नया सिम परचेस करना है, वो तो आपको करना ही होगा क्योंकि एग्जिस्टिंग सिम जो है वो फ़ोन के साथ खो गया है। तो जैसे ही आप दूसरा सिम परचेस कर लेते हैं और अगर आपके पास कोई स्पेयर में डिवाइस है तो वो नया सिम है वो दूसरे डिवाइस में डाल दीजिए और उसमें व्हाट्सअप एक्टिवेट कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो पुराने डिवाइस जो आपका खो गया है उसके अंदर ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आप तुरंत नया फ़ोन नहीं ले सकते, यानी आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेयर में फ़ोन नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको व्हाट्सअप को एक ईमेल करना होगा। मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि एग्जैक्टली वो ईमेल में लिखना क्या होता है, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी स्पेशल फॉर्मेट दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उसमें लिखना है कि डीएक्टिवेट माय अकाउंट वगैरह, और साथ में आपको अपना नंबर भेजना होता है इंटरनेशनल फॉर्मेट में, यानी अगर आप इंडिया से तो फॉर एग्जाम्पल +91 और साथ में अपना 10 डिजिट का जो व्हाट्सअप का नंबर होता है वो भेजना होता है। तो वो आप जैसे ही व्हाट्सअप की टीम को भेजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि कौन से ईमेल एड्रेस पे भेजना है वगैरह वगैरह, तो आप जैसे ही भेजेंगे तो करंटली जो भी डिवाइस के अंदर वो व्हाट्सअप एक्टिव है, यानी आपका फ़ोन खो गया है उसमें ही एक्टिव होगा, तो वो जो डिवाइस के अंदर है वो व्हाट्सअप डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ही आप कोई नया डिवाइस में व्हाट्सअप एक्टिवेट नहीं करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट पुराने डिवाइस में से तो वो डीएक्टिवेट हो ही जाएगा जैसे आप व्हाट्सअप को मेल करेंगे। अगर आप व्हाट्सअप को मेल नहीं करेंगे तो वो अपने आप डीएक्टिवेट नहीं होगा और दूसरा पर्सन जिसको भी वो फ़ोन मिला है वो शायद हो सकता है कि आपके व्हाट्सअप के थ्रू कन्वर्सेशन कर सके। आपने सिम को लॉक करवा दिया है उसका मतलब ये नहीं कि व्हाट्सअप भी बंद हो जाएगा। जब तक आप नए डिवाइस के अंदर व्हाट्सअप एक्टिवेट नहीं करवाएंगे तब तक वो पुराने डिवाइस के अंदर व्हाट्सअप चलता रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका फ़ोन खो जाए और उसमें पासवर्ड लॉक नहीं है तो व्हाट्सअप कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली आप जब व्हाट्सअप को आप अपना व्हाट्सअप अकाउंट डीएक्टिवेट कराएंगे तो उस टाइम पे होगा क्या। आप एक्चुअली डीएक्टिवेट करवा रहे हैं मीन्स आपका व्हाट्सअप अकाउंट डिलीट नहीं होगा, उसमें जितने भी कन्वर्सेशन वगैरह है वो एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ जो भी डिवाइस के अंदर वो एक्टिव था वहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी वहाँ से कन्वर्सेशन वगैरह करना बंद हो जाएगा। दूसरी एक चीज़, जिस सिचुएशन के अंदर आपका व्हाट्सअप अकाउंट डीएक्टिवेट यानी जितने भी टाइम पे वो डीएक्टिवेट है उस टाइम पे अगर कोई पर्सन आपको मैसेज भेजता है आपके फ्रेंड वगैरह तो वो मैसेज आपके अकाउंट में रहेंगे, और जैसे ही आप नए डिवाइस के नए फ़ोन के अंदर सिम कार्ड नया डालेंगे और एक्टिव कराएंगे तुरंत ही आपको वो मैसेज मिल जाएगा। लेकिन ये आपके लिमिट है, यानी 30 डेज तक आपको ये कर देना है, 30 डेज के बाद परमानेंटली आपके अकाउंट में से सारे जो चैट कन्वर्सेशन वगैरह डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, यानी परमानेंट आपका जो अकाउंट है वो एज ए डिलीट कंसीडर किया जाएगा। तो उसके बाद में आपके फ्रेंड वगैरह आपकी प्रोफाइल वगैरह नहीं देख पाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका फ़ोन हो जाए तो कुछ भी करके वो एग्जिस्टिंग डिवाइस के अंदर व्हाट्सअप जो है उसे डीएक्टिवेट करवा दीजिए, जैसे मैंने टेक्निक बताई, कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको अपने डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।